राइट्स दोस्तों, आज मैंने कपिल को थोड़ा नॉकआउट कर दिया है। अबे कभी फिल्म स्टार लेके आता है, कभी कॉमेडी नाइट्स वाले जो स्टार है उनको फड़काता है। हमारी बिरादरी इग्नोर हो रही थी यार, इसलिए आज मैंने अपनी बिरादरी वालों को इंपॉर्टेंस दी है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होके जीता है। इसलिए आज जिस बंदे को मैं यहां ला रहा हूं, गुरु मत रोको, मत रोको, ठोको ठोको। छोटी उम्र में मैं निक्कर पहन के 7 साल की उम्र में रेडियो कान पे लगा के ट्वाइंग ट्वाइंग जिनकी कमेंट्री सुना करता था। आग उगलने वाले फास्ट बॉलर जो थे वेस्ट इंडीज के घुटने लगवा देते थे, और जिनका कद चाहे 5.5 फुट हो, हिमालय जैसा एक आकार है भारत की क्रिकेट में, और जिनके लिए ठोकूं एक शेर, ठोकूं बूंद बूंद इकट्ठा करके कोई समंदर बनाता है, चांद तारे तोड़ के कोई जमी पे सजाता है, जिसने हर बाजी से जीता हो करोड़ों दिलों को, दुनिया में वही गावस्कर जैसा सिकंदर कहे। पीछे पीछे पूंछ बना कहां से आ गया बाजी? एक्चुअली क्या है ना कि चीयर लीडर्स जो थी ये सनी बाजी को चीयर कर रही थी, तो मैं इनको चीयर करने आ गया। पर सनी भाई, मैंने आपको कभी चीयर गर्ल्स के साथ कभी देखा नहीं। तो हमारे टाइम में थोड़ी हुआ करते थे ऐसे, इसीलिए तो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, थोड़ा एंजॉय तो करें। बेटा इनके टाइम पे जब ये बैटिंग करते थे ना, ये 5 दिन बैटिंग करते थे, अबे नाच नाच के मर जाती, इनको ग्लूकोज कौन लगाता। Thank you girls, thank you so much, thank you. आज गावस्कर साहब के लिए तालियां तो बजती रहेंगी, एक बार सिद्धू बाजी के लिए तालियां, क्योंकि जिन्होंने आज हमें सनी बाजी से मिलने का मौका दिलाया। थैंक यू सो मच सिद्धू बाजी, आप प्लीज अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। मेरे गुरु आ गए, हो गए शुरू। तो आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम क्रिकेट की दुनिया के सबसे बहादुर बल्लेबाज जो हैं उनसे आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते भाई उस जमाने में कितने फास्ट बॉलर हुआ करते थे, मेलकम मार्शल और गार्नर जैसे। उस जमाने में भी ये हेलमेट उतार के सिर्फ टोपी पहन के चले जाता था। कम ऑन सनी भाई, आपको डर नहीं लगता था कि सामने इतने खतरनाक फास्ट बॉलर आते हैं, तो मतलब उसके पीछे क्या राज था? आपको डर तो लग रहा था। अच्छा, पर हेलमेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सर पे लगेगा तो बॉल बाउंड्री चली जाएगी। जिस वक्त सनी पाजी क्रिकेट खेलते थे, उस समय किसी भी इंडियन बैट्समैन के मेरे ख्याल से 8 या 10 शतक से ज्यादा किसी के नहीं थे रिकॉर्ड। इन्होंने उस समय सर डॉन ब्रैडमैन का 29 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसके लिए जोरदार तालियां सर। सर जब आपने अपनी 34 सेंचुरी पूरी कर ली, 10,000 रन पूरे कर लिए, तो ये सब करते हुए कभी आपने मतलब ऐसे सोचा था कॉमेडी नाइट्स पे आने का मौका? मैंने सोचा ना, अगर वो रन नहीं बनते, 34 सेंचुरीज नहीं होती, 10,000 रन नहीं होते, तो क्या मैं यहाँ पे होता? सर आज बड़ी खुशी का दिन है और सिद्धू पाजी तो आज खुशी से चमक रहे हैं। लाटू, अदरवाइज ये सर कभी किसी मेल स्टार को देख के चमके नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हिरण को देख के चमक आती है इनके चेहरे पे। लेकिन आज आपके बड़े भाई आए हैं, तो सिद्धू पाजी आपकी आज कुछ कहना नहीं चाहेंगे आप? अरे यार मैं तो देखता चल, आज वही कहेंगे, मैं तो चुप करके सुनूंगा, आज मेरा सुनने का दिन है। सो आज हमारे दर्शकों को बहुत सारे किस्से जो यू नो स्टेडियम के बाहर होते हैं, अंदर ग्रीन रूम में होते हैं, किससे बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, और आज इनके भी किससे सुनेंगे। पिछले 70 एपिसोड से चुपचाप अपना एंजॉय कर रहे हैं, आज पाजी आपकी पोलें खुलने वाली बना दो। सो खैर, हम गावस्कर साहब से ढेर सारी बातें करेंगे, सबसे पहले तो आप अपना स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियां मिस्टर सुनील गावस्कर के लिए। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जब सनी सर
पैदा हुए तो इनके पैदा होते ही इनकी जीवन में एक बड़ा ही फिल्मी ट्विस्ट आ गया था, जैसे अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं बच्चे बदल जाते हैं अस्पतालों में। सो कुछ ऐसा ही सनी सर के साथ भी हुआ था, लेकिन हमने कहीं से सुना कहीं से पढ़ा, लेकिन आज आपके मुंह से सुना चाहते हैं सर, ये किस्सा था क्या बेसिकली? देखिए, जब मैं कुछ दो दिन का था, अच्छा, और हम शायद और जनरल वार्ड में थे, स्पेशल वार्ड में नहीं थे। ओके। तो जब शावर के बाद में या स्नान के बाद में जब बच्चों को वापस ले आए तो वहाँ पे जो क्रिब था, तो क्रिब में मेरे मदर के क्रिब में जो बच्चा था, तो पहले दिन जब मैं पैदा हुआ तो हमारे एक जो अंकल थे वो आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक होल है कान के यहाँ। तो दो दिन बाद वो बात के बाद में जब ये हुआ, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि जो बच्चा मेरी माँ के पास था उसके कान में वो छेद नहीं था, वो होल नहीं था। ओके। तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारा बच्चा नहीं है। तो फिर वो सारे वार्ड की उन्होंने चक्कर लगा दी, फिर सब जगह जाके देख लिया, तो एक जो फिशर वुमन थी, अच्छा, तो उसके नज़दीक जो था वहाँ पे मैं था, तो उन्होंने लेके मुझे वापस मेरे माँ के पास रखा। पर क्या बात है कि जो वहाँ का जो इन्फ्लुएंस, आप शायद मैं उधर फिशर वुमन के वो क्रिब में शायद आधे घंटे के लिए था, एक घंटे के लिए था, पर उसका जो एक इन्फ्लुएंस जो मेरे क्रिकेट पर हुआ है, मैं बताऊं कपिल, इतना इन्फ्लुएंस हुआ है, वो कैसे? बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि फिशर वुमन थी ना, तो उसके बाद में मैं कितनी बार फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो गया हूं। सो एक्चुअली वो औरत भी काफी चलाक रही होगी, उसको पता होगा कि बाकी अस्पतालों में तो बच्चे हो रहे हैं, यहाँ तो सीधा सुनील गावस्कर हुए हैं। पाजी, आज हमारे साथ हमारे भारतीय क्रिकेट के एक महान ओपनर मौजूद हैं। सो कहते हैं कि एक ओपनर जो है जब वो मैदान में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, साथ में एक दूसरा ओपनर भी जाता है। सो अगर सनी सर मास्टर हैं, तो अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं वो ब्लास्टर हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे ताबड़तोड़ बल्लेबाज मिस्टर वीरेंद्र सहवाग का। गर्ल्स कम फटाफट भाग के आओ, चले जाएंगे। प्लीज जरा स्वागत किया जाए। सब कुछ देखा होगा, पर क्या है ना कि इनका ध्यान पाजी रहता कहाँ, इधर उधर देखते नहीं, इनका ध्यान तो सामने वाले पे रहता, सीधा आ गया। अब देख लो वीरू पाजी साथ में खड़े, तो फूल भी बॉल की स्पीड से जा रहे हैं। ये लो भाई, थोड़ा मंदिर जाके पूजा पाठ किया करो, थोड़ा एक बार जोरदार तालियां वीरू पाजी के लिए। वीरू पाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वीरू पाजी का जो स्टाइल है क्रिकेट में वो वैसा है बिल्कुल जैसा फिल्मों में सनी देओल साहब का है। मतलब ये जब मैदान पे उतरे तो सामने वाली टीम यही सोचती कि इस झटका दिमाग अगर फिर गया तो सबको ले डूबेगा ये। तो थोड़ा इनका औरा ऐसा है। वीरू पाजी इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो 300 रन दो बार ठोक चुके हैं। और सचिन तेंदुलकर साहब ने एक बार कहा था कि ये बड़े दिलेर बैट्समैन है, ये वो बैट्समैन है जो 294 रन पे खेल रहे हैं और लास्ट में एक छक्का मार के 300 रन पूरे करते, क्या बात है। लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक हो जाए लेकिन जंगल का राजा शेर ही होता है, क्योंकि शेर में जुर्रत होती है, बंदे में जुर्रत है। ठोको। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये बड़े साफ दिल वाले, कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे 2020 हो, इनको कोई लेना देना नहीं, ये अपनी उसी स्पीड से खेलते हैं। अच्छा वीरू भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको कोई बताता नहीं मैच शुरू होने से पहले कि 2020 है कि वनडे है कि?
ये पहले के जमाने में होता था कि क्योंकि एक ही ड्रेस मिलती थी, लाल बॉल से ही खेलते थे, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, लेकिन बट आज कपड़े बदल गए हैं, बॉल बदल गई है, तो पता चल जाता है कि 2020 है, वनडे क्रिकेट है या टेस्ट मैच है। मतलब पिच पे जाने से पहले आपको आइडिया हो जाता, लेकिन आपने नहीं मानना। अच्छा वीरू पाजी, सबसे पहले ये बताइए आप क्रिकेट में आए कैसे, मतलब जब शुरुआत हुई, आप 15 साल की उम्र से मेरे ख्याल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब आपकी नजर किसकी नजर आप पे पहले पड़ी कि ये बंदा बैट्समैन निकलेगा, ये धुरंधर? आई थिंक जब मैं छोटा था तब टीवी में सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखता था, और टीवी के बाहर मैं कॉपी करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह शॉट मार सकूं। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 92 वर्ल्ड कप से। जो पहला वर्ल्ड कप मैं टीवी पर देख रहा था, सुबह उठ के 3 बजे उठता था और 4 बजे से मैच शुरू होता था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको देख के मैं बाहर कॉपी करता था टीवी के, और कोशिश ये था कि उनके जैसा खेलता रहूँ। तो इसलिए मेरे जो पहली कुछ इंटरनेशनल इनिंग्स है बहुत कुछ सिमिलर था उनके जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा, कि वैसा ही स्टांस रखना है, हेलमेट भी उन्हीं के जैसा पहनना है, पैड भी उन्हीं के जैसे पहनने हैं, ताकि मैं दूसरा तेंदुलकर लगूँ। बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं दूसरा तेंदुलकर नहीं बन सकता, तो बेटर है कि मैं वीरेंद्र सहवाग ही रहूँ। क्योंकि क्रिकेट में जो उन्होंने हासिल किया है शायद ही कोई और खिलाड़ी हासिल कर सके। तो मैं एक बार श्रीलंका में था जब मैंने अपना पहला वनडे 100 बनाया, तब मुझसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप में और तेंदुलकर में क्या सिमिलरिटीज है या क्या है ऐसा जो आप बताना चाहो दर्शकों को। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हम सब मिलते जुलते हाइट एक जैसी, दिखते एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ जो कमी है ना वो बैंक बैलेंस की है। तो जो उनका बैंक बैलेंस है और जो मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा भी शुरुआत थी तो मेरा बहुत छोटा था बैंक बैलेंस, उनका उस समय बहुत बड़ा था। वीरूपा जी ने बड़ी सही बात कही है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर कोई नहीं बन सकता, वैसे ही सुनील गावस्कर कोई नहीं बन सकता, वैसे वीरेंद्र सहवाग भी कोई नहीं बन सकता। जोरदार तालियां सबके लिए। तो पाजी आइए, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां एक बार। जब वीरू पाजी मैदान पे खेलने के लिए उतरते हैं, दोनों टीम जो होती हैं, अपनी टीम और विरोधी टीम, दोनों टेंशन में रहते हैं। विरोधी टीम को यह होता है कि ये टिक ना जाए, अपनी टीम को यह होता है आउट ना हो जाए, तो इनकी बड़ी अहमियत है टीम में। तो इतने दो महान खिलाड़ी हमारे पास हैं। सो मैं, मेरे से गुस्ताखी होगी पाजी, और किससे पूछना पड़े, आज चाय पानी तो पूछना बनता। राजू, राजू जी साहब जी, क्या आप राजू राजू चिल्ला रहे हो? ओए होए 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 होए, साहब जी आज आपने कुछ नहीं बोलना है। आए, आए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। हाँ जी आप बोलिए क्या करना है। इतने बड़े बड़े लोग आए, चाय पानी लेके आ जाके। साहब जी 70 एपिसोड हो चले, आज तो मजाक करना बंद कर दीजिए। आप क्या लेकर आना फ्रिज में से, मुझे ये बताइए। आप लेके आ फ्रिज में, जाकर देख पड़ा क्या हुआ है। पजामा तय करके रखा है, वो लेकर आऊं? खैर सारी बातें बाद में। वीरेंद्र जी, सुनील जी, आप ना मुझे ना क्रिकेट में रख लें। तू क्या करेगा क्रिकेट में? मैं ओपनिंग। अबे खेलने के लिए को रन वन बनाने होते, तेरे को पता भी है कुछ? हाँ तो आउट होने वाला भी तो कुछ चाहिए कि नहीं? ये रन बना लेंगे, मैं आउट हो जाऊंगा। वैसे रन भी मैं बना सकता हूँ। खाना तेरे से बनता नहीं, जब खाना बनाने को मुंह बना के निकल जाता है, रन कैसे बनाएगा तू? अच्छा सहवाग जी मुझे एक बात बताइए, आप बिना बल्ले के आपको बोला जाए सेंचुरी बनानी, बना लोगे आप? जी नहीं, बस इधर वही काम हो रहा है, बिना आटे के आते फुल्का बनाओ। खाली कढ़ाई दे देते पाजी, खाली कढ़ाई दे देते मुझे, कहते इसमें से हलवा बनाओ। अब खाली कढ़ाई में आप कड़छी ऐसे से करोगे तो क्या बनेगा? एक बात बताओ जी सर, ये जो कर रहा था हमारे मराठी में, उसके क्या, उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? तुझे नाना चिट्टांग। नाना चिट्टांग, बस ये नाना ची टांग ले ले। सहवाग जी सारी बातें बाद में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप मैदान में जाते हैं आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है? ऐसा पूछ क्यों रहे हो? नहीं आप सारा गुस्सा बॉल पर निकालते ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो तो, मेरा काम है। अच्छा हाँ, वो काम है, काम तेरे जैसे काम चोर नहीं है, तेरे को कोई भी काम बोलो करता नहीं कुछ तू। आपको इनके बारे में नहीं पता, आपको पता है किसी भी चीयर लीडर को बुक करने जाओ सबसे पहले यही पूछती है, सहवाग तो नहीं है मैच में कहीं? मैंने कहा हाँ है तो बोलो, हूँ, हमने चौके छक्के पर नाच करना है, पूरा दिन डांस प्रोग्राम थोड़ी दिखाना है।
अच्छा सहवाग जी, सच्ची में ना मेरे को ना कोई आप एक्स्ट्रा प्लेयर रख लें। इसको पता नहीं है एक्स्ट्रा प्लेयर को कितना काम करना पड़ता है, तेरे को पता नहीं है? अच्छा, मुश्किल इजी जॉब नहीं होती वो। पाजी मेरे को 2 साल हो चले हैं लकड़ी की बकरी से मैं दूध निकाल रहा हूं, इससे भी टफ है ये काम। बकवास ना कर, अभी पोल मत खोल, जाके जा कुछ बना ले जा। कुछ नहीं बनाना, अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों? मेरे को एक और नौकरी की ऑफर है। कौन सी नौकरी की? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जा रहा हूँ मैं। ये लो पकड़ो प्लेट अपनी। मिलते हैं। ओके। ऐसे ही मुंह लगा हुआ है नथिंग। सर आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या क्रिकेट का हमारे देश में क्या कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो, इतना क्रेज रहा है कि लड़कियां मतलब क्रिकेटर्स के लिए पागल हैं। आप तो जानते ही हैं। तो कैसे जानते हैं? है? नहीं मतलब पता ही होता है सर, आदमी को पता ही होता कौन कौन देख रहा है। ये तो अंदर वैसे ही हेलमेट पहनी हो तो, ये तो हेलमेट भी नहीं पहनते, तो खुली आंखों से देखते थे। तो इसीलिए ये भी एक कारण था हेलमेट नहीं पहनने का। अच्छा। आज पता चला। क्योंकि क्या होता है हेलमेट में वो सारे ग्रिल होते हैं। हाँ। वो ग्रिल लड़की आधी दिखती थी। बिल्कुल ठीक दिखती नहीं थी, बस ऊपर का ही दिखता था। मतलब तो ये सर फिर उस समय आपको भी तो लड़कियां कहती होगी हाय सनी है, मतलब जो भी। तो मतलब फिर क्या कुछ कोई किस्सा सुनाई है ना अपना भी सर? कुछ तो पाजी देखिए आजकल मीडिया इतना हो गया है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हर चीज को मिल जाता है। उस समय अगर आजकल जो क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, वीरू पाजी हो गए, विराट हो गए, धोनी हो गए, तो इनके साथ भी तो ये सब कुछ होता होगा, वो अलग बात, हम तक पहुंची नहीं रिपोर्ट। सर कोई किस्सा बताइए ना। नहीं हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी जो खेलने की स्टाइल थी टुक्कू टुक्कू, तो अब सारी लड़कियां सो जाती थी। एक्साइटमेंट कहाँ हुआ करती थी, कुछ बिल्कुल नहीं, बस इनके खेल से। कहने का मतलब कि आप जो है वो बिल उनके नाम पे भी फाड़ रहे हैं कि अब मैं छोड़ दूं तो सहवाग पकड़े जाएं। कपिल भट्ट इनका डिफेंस भी तो अच्छा है ना, खुद को डिफेंस कर रहे हैं अच्छी तरह से। मतलब ऐसा कोई किस्सा हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। वेरी नाइस। मैंने आज तक सुना था सनी सर इतने अच्छे बैट्समैन है, इतना अच्छा झूठ बोल लेते हैं, आज पहली बार। वीरूपा जी आपके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ? हालांकि मैंने जब भी आपको पिच पे खेलते देखा है आप बड़े गंभीर मुद्रा में होते हैं, सिर्फ आपका ध्यान होता है कि सामने बॉल के ऊपर, और फिर इधर होता है कि बॉल गई कहां, खुद ढूंढते हैं मार के। पर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ हो, कोई ऐसी क्रेजी फैन मिली हो जो मतलब जिससे आपको भी डर लगा हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? चेपी हो गई हो, चेपी हो गई हो, जो चेपी हो गई हो। हाँ ये सवाल मैंने आपसे पूछना है। तो उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं वो निकाल के आप भी तैयार कर लीजिए। नहीं ऐसे बहुत फैन मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ या सबसे बड़ी फैन हूँ, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम तक रहते हैं ड्रामा, जब तक आप उनके सामने हो। जब आप चले जाते हो तो फिर वो आपको फॉलो नहीं करते, आपको आगे मिलते नहीं अनटिल आप इंटरेस्ट दिखाओ उनमें। तो इसीलिए मैंने 23 साल की उम्र में शादी कर ली कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, और हर टूर पर अपनी वाइफ को लेके जाते थे और खुशी खुशी खेलते थे। तो बाकी सब चीज़ें इसलिए मैं फेमस था कि मैं दूध बहुत पीता हूँ, मैं कहीं पार्टी नहीं करता, आज भी कहीं पार्टियों में ज़्यादा जाता नहीं और टाइम पे सो जाता हूँ। तो अभी सिद्धू भाई जी मुझे पूछ रहे थे आप ये शो देखते होंगे, मैंने कहा जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन तो कोई और चारा भी नहीं। वीरू पाजी जब आप ग्राउंड में होते हैं मैंने देखा सर इतना मतलब शोर शराबा होता है, आदमी वैसे ही प्रेशर आ जाता है। अबे इसको कोई कभी जिंदगी में प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर तो बॉलर पे हुआ है। इसको शोएब अख्तर पाकिस्तान में जब इसने 300 बनाया ना, वो इसको बाउंसर मारे और उसको पता था ये हुक नहीं मारता, तो बाउंसर मारे कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद निकल गई, उसने ओए, इसका नाम है नजफगढ़ का कसाई, कसाई की तरह ही मारता है ना, ताड़ 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 ताड़, ओए नजफगढ़ के कसाई हुक मारना, तो ये कुछ नहीं बोला। उसने अगली मारी यहां लगी, भाई ओए हुक मारना, जब तीसरी बाउंसर मारी ना उसने कहा ओए हुक मारना, तो ये प्यार से उसके पास गया, कहता भाई साहब आप बोलिंग कर रहे हो कि भीख मांग रहे हो? आपको एक सीक्रेट बताऊं इनका जी, प्लीज प्लीज। शायद इनको भी पता नहीं होगा, और शायद इनको बताया होगा कि वो 1983 में उन्होंने डेब्यू किया, उसके बाद में 4 साल तक उनको लिया नहीं गया। क्यों? क्यों रन तो बन रहे थे, रणजी ट्रॉफी में रन बन रहे थे, दुलीप ट्रॉफी में रन बन रहे थे,
पर जब वो इंडिया के लिए पहली बार खेले 1983 में जी, तो उस वक्त तो रूम शेयरिंग हुआ करती थी, मतलब दो खिलाड़ी रूम शेयर करते थे, तो उनके साथ जो रूममेट था उन्होंने बताया कि 5 दिन तक उन्होंने कपड़े कभी बदले नहीं। अब बात देखिए, अब तो एक एपिसोड में दो दो ड्रेस बदलते हैं, अब तो बात अलग ही है। अच्छा, हाँ, पर ये जो हुआ कि इन्होंने ये सबक सीखा उसके बाद में कि भाई ये ठीक नहीं कि 5 दिन वही कपड़े पहनूं। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं मानता हूं कि ये लकी शर्ट है मेरे लिए और ये लकी ट्राउजर है इसलिए। अरे पर 5 दिन तो सिलेक्टर्स को पता चला। तो सर टेस्ट मैच भी तो 5 दिन का होता था, क्या पता टाइम ना लगाओ, तो उसके लिए क्या 5 शर्ट नहीं हो सकते आपके पास? तो इसीलिए उनको ड्रॉप किया गया, 4 साल तक इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद में जब आए तो देखो ठाक ठोक। पाजी पता क्या हो रहा है, देखिए आज मुझे ना पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि किससे आप लोगों के ज्यादा सुनने मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि सिद्धू पाजी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये ऐसा कभी हुआ नहीं, प्लीज आप यहाँ पे आइए, थोड़े और किससे सुनने को दिल कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपके दोस्त भी हैं, आप बैठा सुनिए आप लोग क्या है पुत्र, आप यहाँ पे विराजमान होइए पाजी। तो अब सिद्धू साहब यहाँ पे मौजूद है, सनी पाजी बैठे हुए हैं, वीरू जी, तो ये क्रिकेट की जो अंदर की बातें बाहर की बातें, क्योंकि ऐसे रोचक किस्से जो होते हैं ये बहुत कम मौका मिलता है, आज यहाँ पे 3 लेजेंड्स मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि पाजी आप ऐसे ही, कोई ये टीवी शो कुछ नहीं है, ऐसे आप विराज जाना तू फिर जाके, चाहते नहीं आप, मैं यहाँ पे आज मैं रिलैक्स। तू वहां से अपनी टिप्पणी करते रहना ना। ओ ठोको भाई। सनी भाई मैं, मुझे अभी भी याद है सबसे जबरदस्त किस्सा जो आपने मुझे सुनाया था ना, आज मैं चाहता हूं सारी दुनिया सुने, वो जावेद मियादाद वाला जो किस्सा था ना पाकिस्तान में, सुनना है ना, ठोको तुम देखो सुनो क्या होता है। बल्ला बल्ला भैया, बल्ला है बल्ला, अब बल्ला आ गया, बल्ला खटाक, यहां सब कुछ हाजिर हो जाता है, चेयर गर्ल हाजिर हो गई तो बल्ला भी तो हाजिर है। लो सर, ये पाकिस्तान की बात है, जावेद मियांदाद तू जानता ना, जावेद मियांदाद हां सर पाकिस्तान नहीं है, अपने बेंगलोर में हुआ था। तो एक बॉलर था, इंडियन बॉलर, कमबैक कर रहा था, ओके, बहुत अच्छा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, पर उसको पहले टूर के लिए ड्रॉप किया गया था, स्पिनर। और जावेद जानता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता उस विकेट पे काफी टर्न हो रहा था बॉल, तो जावेद बड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था, मतलब वो बॉलर को नर्वस करने के लिए उसने सोचा भी बोलता था वो। हाँ, उसने सोचा कि बॉलर को थोड़ा नर्वस करे तो उसका फायदा होगा, उसके टीम का फायदा होगा। तो जब वो बॉलिंग करता था, बॉलिंग करने आ गया, तो उसने बॉलिंग की, तो जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा था, तो बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था, और बॉलर जब बॉल बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था, ए तेरा लूम नंबर क्या है, लूम नंबर। ये हर एक हर 2 बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे, तेरा लूम नंबर, तेरा लूम नंबर क्या है, लूम नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों पूछते थे, रूम नंबर क्यों पूछते थे, रूम नंबर क्यों, ऐसे ही, हाँ ऐसे, तेरा लूम नंबर क्या है। तो सैयद किरमानी विकेट कीपर स्टंप के पीछे, तो वो भी यहाँ से सुन रहे थे क्या हो रहा है, तो सैयद किरमानी, मैं स्लिप में खड़ा था, तो सैयद किरमानी पूछते, ये क्या हो रहा है, वो सैयद किरमानी में कोई चीज एकदम बड़ी चीज थी, ये क्या हो रहा है। तो मैंने बताया, किरी जावेद ने शुरू किया है, जावेद ही खत्म करेगा, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऐसा हो गया, और एक ओवर के बाद में, हर 2 बॉल के बाद में, उस जब बॉल वहां पे जाती थी बॉलर के पास, ए रो बोलना बोलना बोलना। आखिर वो बॉलर एकदम तंग आ गया, क्योंकि वो जितना वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना नर्वस हो रहा था, हर
और दो गेंदों के बाद जावेद पूछ रहा है रूम नंबर उसने बॉल लेके पूछा क्यों रूम नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि तेरे लूम में मेरे को सिक्स मारने का। अच्छा हम लोग खेल रहे थे, हमारा स्टेडियम कहीं और था, होटल कहीं और था, पर फिर भी जावेद कह रहा है कि तेरे लूम में मेरे को सिक्स मारने का। अच्छा ये हुआ, अब वो बॉलर ने सोचा कि राउंड द विकेट डाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा ओवर द विकेट जाए। तो आपको कपिल शायद वो रूल मालूम होगा क्रिकेट में कि लेग स्टंप के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो फिर स्टंप के भी लगे फिर भी नॉट आउट होता है जी। तो जावेद ने काफी कोशिश की वो जब बॉलिंग कर रहा था, स्वीप मारने की, ड्राइव करने की, पर रन नहीं बन रहे थे, सारे फील्डर के पास जा रहे थे। तो उसके बाद में उसने सोचा कि वो खेलेगा ही नहीं और सिर्फ पैड करेगा, वो पैड करने लगा, पैड किया, पहला बॉल पैड किया, दूसरा बॉल पैड किया, तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने बोला बो बो। और ये कपिल, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, टेस्ट मैच, ये कोई चैरिटी मैच नहीं, बेनिफिट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच चल रहा है। तो दो बॉल भू भू गिरी में मुझसे पूछे ये और अब ये क्या हो रहा है। मैंने बता दिया भाई देखो जावेद ने वो किस्सा खत्म कर दिया, ये भी किस्सा खत्म करेगा, पर इस ये किस्सा जल्दी खत्म हो गया क्योंकि और दो बार जब उसने भो भो किया तो अंपायर काफी परेशान थे। तो अंपायर ने जब ओवर होने के बाद जब कैप दे दी बॉलर के पास तो जावेद के पास आ गए वो, जावेद ये क्या हो रहा है, और जावेद अपना विकेट के लिए क्या हो रहा है ये भो भो क्या करे, अरे भो भो नहीं करो तो क्या कुत्ते जैसी मेरी टांग पकड़े, इधर बॉलिंग करने को बोल। एक सिद्धू भाई मुझे आपका किस्सा याद है, आपने एक बार सुनाया भी था वो कुछ सूरज की तरफ देख के, और वो वाला तो एक बार अबे तू सारे बोल, प्लीज एक बार बाजी का बनता हो चाहिए, वो क्या हुआ था वो? जैसे वीरू ने कहा ना कि बंदा कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार ना आदमी बगैर सोचे समझे कॉपी करने की कोशिश करता है। मतलब मैं पटियाले से आया था, देसी जाट, इसी की तरह बिल्कुल देसी जाट आदमी, दूध पीने वाला। तो सडनली मैं कपिल पाजी को देखता था, जब भी वो बैटिंग करने जाते ना बाहर, बैटिंग करने जाते वो बैठक मारते थे, अच्छा ऐसे करके ना यूं करके बैठक मारते थे और फिर सूरज को यूं देखने लग जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया सूरज को क्यों देखना है, एक्चुअली वो पीपल थोड़े डायलाइट हो जाते ना, जब अंधेरे में बैठे हो तो आप सीधा जाओ तो दिखती नहीं, तो वो यूं दो तीन बार करते थे और फिर सीधा अंदर चले जाते। मैं कहा यार ये तगड़ी चीज है, ये जरूर कर। अगला मैच श्रीलंका के साथ था, सवेरे का दिन ओपन करना था हमने, वहां पे तो सूरज और भी गर्म। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं अंधेरे से निकला तो मैंने कहा यार कुछ कपिल पाजी जैसे कुछ फड़फड़ाता तरतराता करे ना, तो नकल में भी अकल चाहिए। तो मैंने यूं पहले तो यूं किया करके, पैंट मेरी टाइट थी, मैंने जो ही मारी अच्छा और जैसे ही फर्र की आवाज आई और तो कहीं ने देखा नहीं, मैं क्या किसी को क्या पता लगना है, मैंने कमीज थोड़ी सी क्यों करके नीचे निकाल दी और मैं क्या सब कुछ कवर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है। अब क्रिकेट आया, क्रिकेट बहुत एक्सपोज करती है। मैंने जाके लेग स्टंप वगैरह, लेग स्टंप, शेक स्टंप ऐसे करके ली। अब उसके बाद जैसी शॉर्ट लेग होती है ना, शॉर्ट लेग पीछे होती है, यहाँ शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग, बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट लेग पीछे होती है। तो मैंने यूं करके लेग स्टंप लेके मैंने यूं जैसे ही किया ना, तो पीछे वाला कहता है क्या सीनरी है यार। तो एक बात बताओ आपको, हमारे यहाँ क्रिकेटर बहुत सैंपल्स होते हैं, ये एक नमूना है, बहुत सारे सैंपल्स हैं। तो ये कितने किस्से हैं। अब मैं सहवाग को रिक्वेस्ट करता हूँ, सहवाग यार कोई ऐसा तड़कता फड़कता, कोई ऐसा जबरदस्त सा किस्सा सुना जिसने ना तुझे भी हंसाया हो और रंगीनी भर दी हो जिंदगी। क्रिकेट फील्ड में हंसाने वाले किस्से बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे
4-3 और 4 के टूर पर उस समय सचिन पाजी के कुछ बैक में स्पैज़म आया था, तो वो 2-3 घंटे के करीब ड्रेसिंग रूम में रहे। जब वो बैटिंग करने आए तब माइकल क्लार्क नया प्लेयर आया था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उनको अब्यूज़ कर रहा था कि नॉट गाली कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको 2-2 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, टाइम पास करते हो, खेलने का दिल नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैं साथ में खेल रहा था, तो मैंने उसके पास जाके पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि मैं 24 साल का हूँ। मैंने कहा जिस बंदे से तुम बात कर रहे हो या बोल रहे हो उसके टेस्ट क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है और वनडे क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है, तो जब तुम उनके लायक हो तब अपना मुँह खोलो। तो तो उसके बाद भी वो नहीं माना, तो थोड़ी देर और वो बकवास करता रहा। तो तब मैं उसके पास दोबारा गया, मैंने पूछा कि आपके जो दोस्त है वो आपको पब कहते, तो मैंने कहा विच ब्रीड आर यू, क्योंकि क्योंकि कुत्ते तो इंसानों के साथ खेलते नहीं हैं, तो अगर वो पब है तो कोई ना कोई तो ब्रीड होगी उसकी, तो इसलिए हमने पूछा कि, तो इतना तिलबिला गया कि उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। नहीं पर क्रिकेटरों की महफिल में ना मैं ना इतनी हंसी होती है, कपिल पाजी मतलब जब आए थे ना तो उनकी इंग्लिश के बड़े चर्चे थे, वो मर्डर कर देते थे अंग्रेजी की, तो कई बार सारे कपिल ऐसे ही होते हैं। कपिल पाजी और यश पाजी का, अब तो कपिल पाजी अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देते हैं, कपिल पाजी और यश पाजी का कंपटीशन भी होता था कभी। अच्छा। यशपाल शर्मा जी को जाना ना, वो भी शर्मा ही है, तो कपिल पाजी का यश पाजी के साथ कंपटीशन हो रहा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला। जब पहली बार कपिल पाजी को मैंने ठेठ, और वो घबराते नहीं थे, और ये कहानी है अहमदाबाद की, मेरे पहले टेस्ट मैच। अच्छा। पहला टेस्ट मैच हुआ जी, तो उसमें मैं आउट हो गया और कपिल पाजी ने 9 विकेट लिए, सनी भाई ने उसमें 80 ब्रिलियंट रन से, 90 देखा, रन नहीं भूलते अपने, बाकी दुनिया में कुछ भी भूल जाए 90 मतलब ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से बनते हैं रन। चलो जी, कपिल पाजी को इनविटेशन आया, 9 विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, यूफोरिया, मतलब सारी दुनिया में तहलका मच गया यार, खलबली, और कपिल पाजी महाबली, और जी सारी वर्ल्ड की जो प्रेस है ना वो आ गई। उन दिनों में एक रेस्ट डे होता था बीच में ना, टेस्ट मैच के बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओके। तो 300-400 फॉरेन मीडिया वाले बंदे, हाय पाय सिया, मैं कहा पाजी बाउंसर ही लगेंगे यहां तो, तनातन तनातन है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, मैंने कहा तू साथ चलेगा, मैं कहा पाजी खुदकुशी करने जाना है, वहाँ वो अंग्रेजी में बोलेंगे, सवाल कर करके मार डालेंगे आपको, क्या कर रहे हो आप यहाँ, मीनाक्षी सिजादरी वाली पिक्चर लगी है, हीरो वो चलते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है, क्या बात कर रहे हो। तो मुझे कहते हैं सरदार क्या सम, तू देखना मतलब जाटों का जिगरा देख, तू जुगाड़ भी देख, वट कर दू जलेबी की तरह इकट्ठा कर, देख सही बनाता क्या उनका। मैं ठीक है पाजी कोई गल नहीं, मैं अंदर से सोच रहा हूँ ये तो खुदकुशी है गुरु, ये तो बहुत काम खराब है। अरे हम चले गए वहाँ, छोटा सा कमरा, वहाँ गुरु तुड़े हुए अंदर, जितने भी जर्नलिस्ट ना, मैं अब भरा खचा खच, मतलब 300-400 जर्नलिस्ट एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, मैं आ गया गुरु मर गए यहाँ तो, ये तो काम खराब है। तो पाजी ऊपर बैठ गए, मैं साइड में यूं खड़ा हो गया, मिस्टर कपिल देव, मैं कह गए गुरु काम हो गया, मिस्टर कपिल देव व्हाई इज इट दैट अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कपिल देव, मैं कह ले खटा। दूसरा, मिस्टर कपिल देव Why is it that a country of 1 billion has just one fast bowler? Khata hai. 6-7 sawal. Why can't we produce another Kapil Dev? Main kaha le abhi paaji gaye. Paaji uthe side se. Mere ko yun. Ladies and gentlemen, main kaha lady te aaya koi nahi paaji. Sawal ye tha, why can't we produce another? Ladies and gentlemen, मेरी मम्मी 62 साल की हो गई, पापा का ध्यान तो क्या, यू कांट प्रोड्यूस कपिल देव। फिर मेरी तरफ देख के कह दिया, किसी और ने सवाल पूछ रहे, मैं मरना है किसी ने सवाल पूछ के, भाई किसी की शामत आई है, मतलब देखो हम
हम लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए, पब्लिक स्कूल ग्रेजुएट, फलाना ढमकाना, टाइम टाइम फीस होती थी, और सनी भाई से पूछ मैं इंटरव्यू नहीं दे पाता था। अच्छा, पर नया की सवाल पूछना है, बोलिए। वो अहमदाबाद टेस्ट की आपकी पहली टेस्ट थी? पहली टेस्ट, और रेस्ट भी था ना? हाँ हाँ। तो उस दिन लॉन्ड्री के लिए कपड़े क्यों नहीं दिए? अबे गुरु, अगली बार क्रिकेटर नहीं बुलाने भैया। नहीं नहीं पाजी, वही ठीक हूँ पाजी, बुलाने हैं ना नए वाले, जैसे मैं चुपचाप बैठा हूँ। देख शांत बैठा हुआ है वो। उनको किससे पता नहीं है ना भाई आपके। तो ये यहाँ पे खत्म करेंगे क्योंकि ये तो बहुत नॉटी एरिया में जा रहा है। तू ही आ जा गुरु, तू ही आ जा। ये तो हमारे खोल देंगे मेरे। देखिए ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं ना, वो तो थोड़े से लूज होते हैं। ऐसा कौन बंदा होगा जो फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहेगा? ओपनर्स तो हमेशा फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं। नया गेंद होता है, पिच के बारे में कुछ पता नहीं होता है। थोड़ा सा तो सनक होना ही चाहिए। हम सब लोग वैसे ही है, पर हम सबसे स्मार्ट, सबसे सनकी सर कृष्णमाचारी श्रीकांत। सुनो सुनो, ऊपर देखे उनका तो सूर्य देवता पर बहुत ही विश्वास था, तो जाके करके ऊपर देखते थे। इंग्लैंड में खेल रहे थे और इयन बोथम को उन्होंने उस वक्त ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टीम में से। तो दोनों बैटिंग कर रहे थे, श्रीकांत और हम, और बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी और इतनी स्विंग हो रही थी, और उस वक्त धूप भी नहीं निकली थी, तो उनकी तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ी। स्विंग का मतलब गेंद हवा में घूम रही थी। जी जी, हवा में घूम रही। तो वो ऊपर देखने की कोशिश कर रहे, सूरज नहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी मुश्किल में थे। और उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई। स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम। तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई। और एक बात हमने देखी कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे, पर लड़कियां जब भागती है ना, तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? ऐसे ऐसे क्यों नहीं? लड़की उषा वगैरह। हाँ सही बात है, ये बहुत सही ऑब्जर्व किया सर, बड़ा सही ऑब्जर्व किया। देखा, बट आंख भी आंख आंख नहीं है, एक्सरे एक्सरे, ठोको ठोको। नहीं पर अच्छा, तो वो भागती आई, वैसे भागती आई तो आई, तो उस वक्त उसके पास हाई हील थे, तो पिच पर आ गई, तो पिच तक आ गई, तो मेरा तो बस ये था कि इतने जो बड़े हील थे उससे पिच खराब ना हो गुड लेंथ की तरफ। तो मैं उसको बोल रहा था दूर रह करके। अब श्रीकांत भी मेरे साथ था, स्ट्रगल कर रहा था, बॉल मीट ही नहीं हो रही थी, तमिल ब्राह्मीन, हाँ तो देख नहीं पाता। तो जितना भी वो तमिल ब्राह्मीन ऐसा ऐसा करके उसने थोड़ा सा देख लिया। तो पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उसको ले गए। मैंने जाके श्रीकांत को बोला, चिका डोंट वरी। उसके बाद में, उसके पहले बॉल ने मीट हो रही थी, उसके बाद में जो उसने जो तड़ी दी है ना बोलर्स को, मारे जाए। और मैं जाके बोल रहा हूँ, वाह रे वाह बेटे वाह, ये तेरा सीक्रेट है। पाजी आज आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है, मेरा दिल ही नहीं करता वहां पे आऊं। मेरे को एक शेर याद आ गया, ये सीटी हंसी पाजी। मैं बोलना चाहता हूँ, अर्ज किया ठोको पहले तू। होनी को अनहोनी कर दे, ठोको पहले। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो दिनों, पाजी वीरू और सनी, ठोको तालियां। पाजी ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। मतलब इतना मजा आ रहा है देख के कि आज, मतलब हम लोग सब लोग मैच देखते हैं, कोई जीता कोई हार गया, लेकिन इतने जबरदस्त और रोमांचक किस्से पाजी कभी हमें सुनने को नहीं मिले। मैंने तुझे पहले कहा था दिस इवनिंग पाजी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अब तू
वापस अपनी सीट पे आ जा, घोड़े को मांस दोगे शेर को घास दोगे दोनों मर जाएंगे। गुरुदेव आ जाओ आ जाओ। अटैक। अच्छा सनी भाजी, सिद्धू पाजी जो है क्रिकेट के करियर में किसी ने इनको बोलते हुए नहीं सुना कभी, कोई कोई मीडिया में कोई बयान देते हुए नहीं सुना, तो आपने तो सुना होगा, मतलब क्या सुना? कुछ नहीं, कुछ तो सुना होगा। बिल्कुल नहीं, बस इतने चुप हुआ करते थे, हूं की चू नहीं होती थी उनकी। अच्छा, कभी भी देखो बस उनसे पूछे ड्रेसिंग रूम में जब थे वो, पहले जब पहली बार जब आए 1983 में, शायद वो उनके वो शर्ट वर्ट का कुछ होगा। अच्छा। सोचते होंगे कि भाई आज आज भी शर्ट मैंने धोया नहीं है तो शायद उसके लिए शायद चुप होंगे। पर कभी भी कुछ टीम मीटिंग में उनको पूछते थे कि क्या करना चाहिए, विव रिचर्ड्स को कहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, आप एंडी रॉबर्ट्स को कैसे खेलेंगे, कुछ कहते नहीं थे। अच्छा, अब इन्होंने एक बार सडनली क्या हुआ ऐसा, पता नहीं क्या हो गया, यू नो कहां पे इन्होंने कुछ मिर्ची खाई है क्या है मुझे पता नहीं। मैं ना सर हमेशा एक बात कहता हूं कि सिद्धू पाजी ने, सिद्धू पाजी के साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इनको हर चीज के बारे में पता रहता है। इतने बिजी होने के बावजूद इन्होंने इतना लिटरेचर पढ़ा है, और जिस आदमी को इतना ज्ञान हो वो कभी चुप रह नहीं पाता। बाजी आप इतने साल कैसे, मतलब कुछ बताइए अपने बारे में बाजी, आज आपसे पूछने को दिल कर रहा है। आपने मतलब कैसे रोके रखा अपने आप को? रोके नहीं रखा, भय इतना था, कसम से कह रहा हूं, मुझे मतलब मैं डरता था यार, सेंचुरी बना के मुझे ये लगता था कि प्रेस वाला आ जाए मैं भग जाता था, कसम से कहता हूं। और मुझे अगर मेरा प्रोफेसर ये कह देना कि कल डिबेट है बेटा तूने डिबेट में भाग लेना, मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता, कसम से कहता हूं। मतलब मेरी ऐसे ऐसे होती थी, मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर मैं ध्यान लगाने लगा, और ध्यान ने मुझे वो आत्मविश्वास दे दिया। आत्मा से संपर्क जब हुआ ना, तो फिर नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सोच बदल गई। और दुनिया में अच्छा बुरा है ही कुछ नहीं, सोच ऊंची बंदा शहनशाह शाहों का शाह, और सोच नीची आदमी भिखारी, हाथ में टूटा ठन ठन पाल मदन गोपाल ठोको। अच्छा वीरू पाजी, एक सवाल है आपसे कि क्रिकेट में आने के बाद आपकी इंग्लिश अच्छी हुई कि पहले से ही आप अच्छी इंग्लिश बोलते थे? क्योंकि काफी सारी बातें पता चली कि आज कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्लेयर का ध्यान जो होता है मेन फोकस रहता है वो अपनी गेम पे रहता है, तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं तो इनको भी यही बोलता रहता हूँ कि मेरा ध्यान कॉमेडी पे, मैं काय इंग्लिश सीखूं, समझते नहीं। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, ये इसके पीछे मैं जब सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे, तो मैं और हरभजन दोनों एक साथ एक टीम में थे, हमारे कोच श्रीकांत जी थे। तो हम लोग जिस भी फंक्शन में जाते थे ना, तो पहले ऐसा कोना ढूंढते थे जहाँ पर कोई ना पहुँच सके, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो भी आएगा वो अगर कुछ भी पूछेगा तो इंग्लिश में ही पूछेगा। तो हम लोग डरते थे कि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ तक बंदा पहुँच ही ना पाए, और पता चले जैसे ही खाना शुरू हुआ खाना खाया और निकल गए। तो बस में बैठ के जाकर आधा आधा घंटा हम लोग बस में बैठे रहते थे कि टीम आएगी बाद में तो उनके साथ चले जाएंगे। तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि आप क्रिकेट खेलते हो उसके बाद अगर आप मैन ऑफ द मैच लेते तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हाँ। तो उसके लिए इंग्लिश सीखनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। खुशी होती थी जब रवि शास्त्री खड़े होते थे या सनी भाई खड़े होते थे कि हो इनको तो बोल सकते, हिंदी में ले लो इंटरव्यू, इंग्लिश में मत लो। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि वीरेंद्र सहवाग ने अपना एक स्कूल जो है वो खोला है जिसका नाम है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। तो वीरू भाई ये बताइए कि उसमें क्या क्या होता है, स्कूल नॉर्मल स्कूल है, उसमें क्रिकेट अकेडमी भी है, उसमें और क्या क्या है? वो प्रॉपर स्कूल है और उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, और 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैंने पहला सेशन स्टार्ट किया उसका, और मैं बहुत शुक्रगुजार था हरियाणा के CM साहब का, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने मुझे झज्जर में लैंड दी, 23 एकड़, हरियाणा में ही झज्जर, जो कि मेरा गांव भी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जहां पर मेरे फादर मदर रहते थे और बाद में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, तो वहां पर उन्होंने मुझे लैंड दी। तो और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अकेडमी के साथ साथ मैं स्कूल भी बना सकूँ ताकि बच्चे वहाँ रहें, पढ़ें भी और खेले भी, जो भी स्पोर्ट्स वो खेलना चाहे। तो वहाँ पर मैंने अपनी अकेडमी खोली, तो लोगों को यही लगता है कि शायद मैंने अपना नाम दिया, वो मैंने नाम नहीं दिया, वो मेरा खुद का स्कूल है,
अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sisj.in पर और चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर सहवाग का स्कूल। अरे खटाक। आज तो बुआ मसक कली तोड़ दुश्मन की नली। नो बुआ, आई एम नॉट बुआ, ओके? मैंने सुना है यहाँ किसी ने कोई एकेडमी खोली है। खोली है बुआ, लेकिन तू क्या बनके घूम रही है? शट अप। बुआ मतलब व्हाट? आई एम नॉट योर बुआ, माय नेम इज गुगली। लेकिन यहाँ पे क्या करने आई हैं आप? हे हाय रब्बा, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं सुनील जी और सहवाग जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मुंह तुम्हारा राणा तुंगा जैसा है। मैंने सुना है कि सहवाग जी ने स्कूल खोला, तो मैं ना आपके स्कूल में टीचर बनना चाहती हूँ। जी जरूर। हाँ जी, उनके स्कूल में बहुत सारी चीजें हैं, क्रिकेट भी है सर, पढ़ाई भी कराते हैं। तेरे को क्या आता है, कैसे कराएगी उनके स्कूल में? मुझे सब कुछ आता है जी। वैसे भी आप लोग मुझे ध्यान से देखिए, मैं तो ऊपर से नीचे तक खुद क्रिकेट हूँ। वीरूपा जी, इनसे पूछिए जरा, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? पूछिए जरा। पूछ लीजिए सब कुछ। आर यू रेडी गाइस? गली कहाँ होती है आपको पता? गली गली क्या होती है? लो जी, गली के बारे में मुझे पता हो ना हो, पर गली के सारे मुस्तंडों को मेरे बारे में पता है। अरे वो क्रिकेट की गली उसकी बात कर रहे हैं, ये वाली गली जो इधर से इधर निकलती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और क्रिकेट की गली कहाँ होती है मालूम है? फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, उसके बाद में गली। आप कहिए तो सही, मैं तो स्लिप पे स्लिप, स्लिप पे स्लिप, मैं तो हर वक्त ही स्लिप करती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा क्रिकेट के बारे में, पर मुझे दूसरा पूछना है सवाल। दूसरा क्या होता है? लो मुझे तो पहला नहीं मिला, आप दूसरे की बात पूछो। I know everything. बुआ तेरे को कुछ नहीं पता, तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। लॉन्ग ड्राइव तेरे को पता क्या होता है? एक बार ये मुझे ले तो जाएं लॉन्ग ड्राइव पे। मैंने पहले कहा था भाई, इनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ना इनको खेलना नहीं आता होगा बिल्कुल भी। खेलना नहीं आता तो ये सिखा देंगे। देखिए, आपने इतने लोगों को सिखाया, मुझे भी प्लीज सिखाइए ना। इधर ही था मेरा बल्ला, ये देखिए, आइए ना, प्लीज सिखाइए ना, आइए आइए सर, देख लो कितने बड़े बड़े लोग मुझे सिखा रहे हैं। सबसे पहले ये कहना है कि इसको ऐसा पकड़ना चाहिए, फिर इसको ऐसा पकड़ के ये तो कवर ड्राइव हो गया। कवर ड्राइव, हाँ अभी कवर ड्राइव सीख लिया, आगे लॉन्ग ड्राइव पे चले? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त है, लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ा वक्त है, अब थोड़ा हुक करे। हुक करे? कहाँ से हुक करूँ? अरे यहाँ से नहीं, वहाँ से। हाँ उनको हुक करे। मैंने, are you ready guys? Please, please. मैंने तो कभी हुक मारा ही नहीं, सिद्धू पाजी ने पहले ही बोला था, शोएब अख्तर कह के मर गया, हुक मार हुक मार हुक मार। बोलिए ना। वाह बहुत अच्छी आंखें, कह दिया। आप भी बताइए ना, थोड़ी तारीफ कीजिए मेरी। आप तो मेरी माँ के समान है। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये कपिल ने कहा है बोले। कौन है ये आदमी? जा रही हूं मैं, मुझे नहीं आपसे बैट बूट सीखनी। चलिए, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, मैं बाहर आपकी वेट कर रही हूँ, ओके? हाँ, पर उसके जाने से पहले मैंने आपसे एक ही सवाल पूछना है। क्या? कि जब भी यहाँ पे कोई कपिल का बंदा गेस्ट आता है, हाँ जी, तो आप उस पर लाइन लगाती हो, और क्या है कि कोई बंदा फंस नहीं जाता, पर आपके सामने यहाँ पे इसी घर में एक है, बड़ा एलिजिबल है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखती? हाँ,
पंजाबी है पंजाबी है मैचिंग टर्बन और टाई पहनता है हट्टा कट्टा है सोने की घड़ी पहनता है अरे सुनील जी मैं तो बड़ा ट्राई करती हूँ पर ये मुझे देखता ही नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर ये नवजोत से दाल भी एक हफ्ता पुरानी पास मत कर क्या गोइंग मैं वेट कर रही हूँ हाँ मैं आता हूँ आता हूँ क्या दिया प्लीज किसी को बताइएगा मत आ मत देखिए मेरी तरफ मैं आपसे बात मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ ये बच्चों के लिए भी एक ज्ञानवर्धक चीज है कि वीरू भाई दूध बहुत पीते हैं दबा के पीते हैं बेटा इसके बॉडी में पिन मारेगा ना खून नहीं निकलेगा दूध ही निकलना बाहर मेरे को तभी नहीं समझ में आ रहा जब वीरू आ रहे थे ना दो तीन बार हमारी बकरी बाहर भागी अच्छा पता चला वो डर रही थी मैं एक और बात एक सनी सर के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने क्रिकेट के मैदान में इनको बड़ा गंभीर स्वभाव में देखा कॉमेडी नाइट्स में आज आपने हंसी मजाक करते देखा लेकिन इनकी जिंदगी में एक और पहलू भी है सो सर चैंप्स के बारे में कुछ बताइए कि वो क्या है वो फाउंडेशन जो है काफी बार पेपरों में या टेलीविजन पे न्यूज आती रहती है कि जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के या एशियन गेम्स के मेडल विनर्स है वो अब बुरी हालत में मतलब कि दो वक्त का खाना भी उनको नहीं मिलता तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ करे और स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं कि अपना जो यूथफुल यूथ का जो करियर है वो स्पोर्ट्स में लगा देते हैं उसके बाद में उनके पास कभी कुछ होता नहीं है 35-35 के उम्र में जब खेल खत्म होता है तो आगे क्या तो इसीलिए मैंने एक ये फाउंडेशन 1999 में स्टार्ट किया चैम्प्स करके चैम्प्स एक एक्रोनिम है सी फॉर केयरिंग एच फॉर हेल्पिंग ए फॉर असिस्टिंग एम फॉर मोटिवेटिंग P for promoting, S for sports persons. Wow. So champs. दान ना दिखाया बड़ा जाता है, जताया बड़ा जाता है। तो सनी भाई ने ना जताया है, ना दिखाया है, सिर्फ इबादत की है। और इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। ठोको। आपको इस खूबसूरत काम के लिए बहुत बहुत बधाई। और एक अच्छा काम हमने भी किया सर कि बहुत सारे लोग क्योंकि आपको मैदान में देखते हैं जब आप बैठे हैं कमेंट्री कर रहे हैं जब आप खेलते थे तो बहुत सब लोगों के मन में कुछ सवाल थे वो सबको तो हम नहीं बुला पाए सर लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे चाहने वाले हैं जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जो वीरूपा जी से आपसे बातें करना चाहते हैं सो आप एक एक करके वीरेंद्र जी से सनी सर से बात कर सकते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है जी जी पाजी आइए पाजी वट करते परौंठे वाला काम है मेरा नाम नवजोत है अरे वाह अरे वाह वाह क्या बात है पाजी जोत से जोत मिलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो बिल्कुल सर बिल्कुल मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इंडियन क्रिकेट का और खास तौर पे सिद्धू सर का जी बचपन में जब नामकरण होने के लिए गया था तो गुरुद्वारे में मैंने सोचा था कि ना निकला तो नवजोत ही रखना मेरा नाम अच्छा बचपन में आप इतने इंटेलिजेंट थे सर क्या डिसीजन ले लिया हैबिट बचपन से ही है मेरी ऐसी खुद ही बोला होगा गुरुद्वारा इतना सा बच्चा नाम लगा मेरा नाम नवजोत सर थोड़ा बड़ा हो गया था इतना छोटा नहीं था थोड़ा बड़ा हो गया था तो कितने कितने साल के बाद नाम रखा आपने वैसे निकनेम मेरा था प्यार का नाम नितिन बोलते मुझे घर का ओके और थोड़ा जब समझदार हुआ 5-6 साल 7 साल का तब गुरुद्वारे जाके नामकरण हुआ प्रॉपर तरीके से आपको पता आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी बड़ी मिलती है सनी सर जब इंडियन टीम 83 में वर्ल्ड कप जीत के आई ना तो उसके पहले मैं 81 बॉर्न हूँ तो मैं मेरे 2-3 साल ऐसे ही निकल गए थे ओ छोटे उरे ऐसे ही करके मेरे को बुला गए उसके बाद मेरा नाम कपिल रखा गया तो ऐसा नाम रखा मेरे को क्रिकेट का कुछ पता भी नहीं मैं कई बार अपने नाम के चक्कर में मोहल्ले की टीम में चला गया खेलने मुझे ले लेते थे मतलब सच्ची में मेरा पेट नेम शरी है शरी पता क्या होती है सनी भाई से पूछ लेडीज वाइन होती है अच्छा हाँ और चढ़ती भी बड़ी तेज है तो जब मैं पैदा हुआ ना तो मेरे पापा लगा रहे थे तो कोई लेडीज वाइन लाया ऐसे करके तो उन्होंने देखा शहरी इसका नाम शहरी खटाक अच्छा ये भी शुक्र है बाजी की वो उस समय शहरी नाम की वाइन पी रहे थे सोचो किसी ने लाके रसगुल्ले रख दे रसगुल्ला उसका नाम रसगुल्ला
हाँ जी सर, आपका सवाल क्या है? सवाल नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है सनी सर से। सनी सर बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं जी। मैं चाहता हूँ सिद्धू सर की और एक वेस्ट इंडियन प्लेयर की, क्रिकेटर की मिमिक्री करके बताएं। सिद्धू सर की? जी सर। सिद्धू सर की कहाँ मिमिक्री करेंगे, वो तो यूनिक है। मेरी बस, चाल चल रही है। हाँ, बस सिर्फ एक उनकी स्टाइल दिखा दूं चलने की। यार हद कर दी। और इनका जो नाचने का स्टाइल है। सर एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की तो रह गई मिमिक्री। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर? अच्छा मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। 1983 की जो सीरीज थी जहाँ पे नवजोत मेरे साथ टीम में थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो तो लास्ट टेस्ट में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी टीम से कि ओपनिंग के बदले में नंबर 4 पे जाऊँगा, क्योंकि स्लिप में खड़े होकर जो कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता था, उसके बाद में 10 मिनट के रेस्ट के बाद में ओपनिंग करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो रही थी, और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स बहुत अच्छी डाल रहे थे। तो मैं नंबर 4 पे बैटिंग करने गया, तो पहले मैल्कम मार्शल बॉलिंग कर रहे थे, तो पहले बॉल को उन्होंने अंशुमन गायकवाड़ की विकेट ले ली, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बॉल दिलीप वेंगसरकर की विकेट ले ली, तो मैं हैट्रिक बॉल के लिए चले गया नंबर 4 पे। हैट्रिक बॉल मैंने बचा दिया, ओवर वो खत्म हो गई, तो फिर विव रिचर्ड्स स्लिप से दूसरी एंड के स्लिप की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पास से जब जाने लगे तो उन्होंने कहा नो माथा व्हाट नंबर यू बैट्समैन, द स्कोर इज स्टिल 0। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? जी आइए मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो सहवाग सर, हेलो सुनील सर। मेरा क्वेश्चन सहवाग सर से है। आपने जब पाकिस्तान के अगेंस्ट 294 रन पर 6 मारा था, तब आपको कैसा फील हुआ था सर? तो मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं कपिल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके बैठ के इसका जवाब दूंगा। उस मैच में मैंने 100 रन बनाने तक करीब करीब 5 या 6 छक्के मारे थे, तो 100 रन बनाने के बाद जब सचिन तेंदुलकर मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तो कोई छक्का नहीं मारेगा, अगर छक्का मारा तो मैं तुझे मारूंगा। ऐसे तो, क्योंकि उनको पता थी इसके 100 रन हो गए, ये 4-5 छक्के मारेगा और आउट होके चला जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि तुझे आउट नहीं होना। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं मारूंगा, तो मैंने 295 तक वेट किया छक्का ना मारने के लिए, और 295 पे मैंने उनको बोला कि अगर सकलेन मुश्ताक बॉलिंग करने आया तो मैं छक्का जरूर मारूंगा चाहे मैं आउट हो जाऊं। तो उसके पीछे रीजन क्या था फिर भाई, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में, तू आउट हो, छक्का मार, 10 मार, 5 जो करना कर, अब हम हार नहीं सकते। तो उनका एक ये लेसन था मेरे लिए कि रन बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रीज पर खड़े रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि रन बनाना इम्पोर्टेंट है। जो कि सनी भाई फेमस थे कि जितनी देर ज़्यादा क्रीज पर रहेंगे उतनी देर ही अपने भी रन बनाएंगे, टीम के भी रन बनेंगे और मैच हारने के चांस भी कम। नहीं, पर उस वक्त एक डीप मिड विकेट पर भी फील्डर था और लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर था। तो मैंने ये कहा कि मेरे लिए फील्डर मैटर नहीं करते, कि फील्डर जहाँ मर्जी हो, 8 के 8 पीछे हो, 9 के 9 पीछे हो, जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने छक्का मारना है तो फिर फील्ड पोजीशन मैटर नहीं करता। और उसके बाद सकलेन के पहले बॉल पे और दूसरे बॉल पे, फर्स्ट बॉल सकलेन मुश्ताक आया, पहली बॉल फेंकी, मैंने छक्का मारा, बैट ऊपर किया, सचिन तेंदुलकर से हग करने का मौका मिला। आप तो ऐसा ना करें सनी भाई। ये कहीं सोच भी नहीं सकते 295 पे छक्का मारने का, सोच भी नहीं सकते। ये फिर सर कहीं ना कहीं वो हरियाणा वाला खून तो काम आ जाता है। नहीं अब तो मारना ठोकना ही ठोकना। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है आपको मेरी तरफ से भी। जी और कोई हमारे दोस्त
जो अजी सर आइए। हाय कपिल सर। हाय। हाय सुनील सर। हाय सहवाग सर। मैं अमर पटना से आया हूँ सर। जी सर। मेरा सवाल सहवाग सर से है। जी। मैं आपके साथ सर एक विक्ट्री डांस करना चाहता हूँ। विक्ट्री डांस। बहुत सारे जीत दिलाए हैं सर आप लोग, तो उसमें आपका क्या योगदान था? सर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वहां आके इनके सामने विक्ट्री डांस। मैं तेरा मेहमान। वाह तेरे। आइए आइए प्लीज। मेला लूट लिया आज सनी भाई। ये डांस, ये टैलेंट, मैंने सनी भाई में ये टैलेंट तो आज पहली बार। टोको यार टोको। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। ये क्रेडिट आपको जाता है। आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में? वैसे आप पटना से है ना? यस सर, पटना से। ओके ओके, तो मुंबई में अभी पूरा सेटल है? शादी वादी होगी आपकी? नहीं सर, शादी नहीं हुई। तभी खुल के नाच रहे थे। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? जी आइए सर। हेलो सुनील सर। हेलो कपिल सर। हेलो नवजोत भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कई क्रिकेटरों की मैं नकल करता हूँ। मैं आपकी कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। पहले सिद्धू जी की नहीं, मेरी बहुत हो गई गुरु, बहुत उतर गई। यहाँ पे आके वीरूपा जी। ऐसे ही है बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनका आउट होने का रिएक्शन। आपके गुरु सचिन है यार, जा गया तू। सचिन तेंदुलकर जी की मैं नकल करता हूँ। हाँ अच्छा। उनके आउट होने का रिएक्शन। मजा आता है सौरव गांगुली जी का। जी। ये जब सिक्स मारते हैं उनको खुद तो पता नहीं पड़ता कि मैंने सिक्स मार दिया। महेंद्र सिंह धोनी जी, इनको अपने ताकत पे विश्वास है, बैटिंग पे है ही नहीं, ताकत पे विश्वास। श्रीलंकन के मुरलीधरन। हाँ। वो डेंजरस दिखते, एकदम खतरनाक। उनका स्लो मोशन इतना खतरनाक है, बैट्समैन भी पहले सोच कर शक्ल देख के डर जाते। हमारे हर
हरभजन सिंह जी, इनको जब विकेट नहीं मिलती तो इनके चेहरे की लाइन लाइन बिगड़ जाती है। यार मरवाएगा आज ही। इरफान पठान ऐसा था, वो डांस कर रहे हैं, उनको डांस की डांस का उनको शौक है विकेट मिलने के बाद। हाँ इनके बॉलिंग स्टाइल जो है, इनके विकेट लेने का जो बाद इनका जो रिएक्शन है वैसा है वीरू का, सेवाजी का। अच्छा सही है थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने क्या नाम बताया ब्रदर आपका? सर जी नितेश। नितेश नितेश आप कमाल के ऑब्जर्वर है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया आपने, थैंक यू सर, क्या बात। तुम यहाँ क्या करी पलक की मम्मी? बेटा आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर तेरे घर पर मेरा पहला प्यार आया हुआ है। आपका पहला प्यार? बेटा शौक तो आप ऐसे हो रहे हैं बेटा जैसे प्यार करने का मुझे कोई हक ही नहीं है। बेटा मेरा पहला प्यार यानी मिस्टर सनी गावस्कर। अरे ऐसे नहीं बोलते, उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसे नहीं बोलते। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, हम दोनों एक जमाने में इतने करीब हुआ करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको याद नहीं है? अब याद कीजिए उस जमाने में हम दोनों साथ में पार्टियों पे जाया करते थे। कितनी पार्टियों पे हम साथ में गए, हर पार्टी में मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक ना खोलने को दे देती थी बिकॉज ही वॉज ओपनर। अरे मेरा पहला प्यार सनी गावस्कर। रुक जाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। पर कौवा भी क्या काटेगा इसको, तो इसको तो काटने के लिए कम से कम भालू चाहिए, और भालू भी पता नहीं काटे के ना काटे। झूठ क्यों बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है शरीफ आदमी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? पहली बात तो मैं आपको पहचानती हूँ। I'm बिंदिया, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। और I am his first and crazy love। ए बैट कहाँ, मैं दोनों के पीठ पे मार रहा हूँ मैं। यहाँ पहले प्यार का प्रसाद बन रहा है, झोलिया लेके आ गई यहाँ पे। सही कहा तुम्हें, एक आ गई एक और पहला प्यार लेके, पता नहीं देखे इनका पहला प्यार आपके सामने बैठी हुई है, यानी कि मैं हूँ और मेरे पास सबूत भी है, सबूत सबूत। ये झूठ है, दिस इज, देखिए देखिए ये फोटो आपने बनाई है, आपने बनाई है। देखो औरत मैं अपने खुद की दाढ़ी नहीं बनाती, मैं फोटो कहां से बना लूंगी। और दूसरी बात सुनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये औरत बीच में आके इस तरह हमारे प्यार की बेइज्जती कर रही है, आप कुछ कह नहीं रहे हैं? एक मिनट सर, तू कभी बेइज्जती करते ही नहीं है किसी की। सिद्धू बाजी सामने से बॉलर फुल टॉस भी डाले ना तो इतनी इज्जत से उसको डिफेंस कर देते थे। सोचो जिस बंदे ने कभी बॉल की बेइज्जती ना की, उस फुटबॉल की बेइज्जती कहां से करेंगे। और आप मुझे प्यार से कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। तो हम कहना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि कहने के लिए मुंह का डायमीटर बड़ा करना पड़ेगा। और ये पंखुड़ी का अगर फूल बनेगा तो एक ही फूल बनेगा, गेंदे का फूल।
देखिए मिट्टू शर्मा, अगर आप मुझे जरा सी परमिशन दे, मैं इस औरत को नोचना चाहूंगी। एक मिनट, ये नोचना नोचना आप करती रहती हैं। पहले जो 5-7 आदमी नोच के अपने मुंह के अंदर रखे, पहले वो तो बाहर निकालिए। Listen, lady, you talk to my foot. Why not? अगर मैं जूतों की दुकान से बात कर सकती हूँ तो एक जूते से तो कर ही सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, यू तुम्हें शर्म नहीं आती है? ट्रक का माल अपने कंधों पे लेके घूमते हो? इडियट, यू स्टूपिड, यू बीप। देखिए एक बात खाली आप याद रखिएगा, मतलब आप किसी और जूते से कैसे बात करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जूते से जरा इज्जत से बात कीजिए। क्यों? इसने PhD की हुई है, इसने कोट पैंट पहना है, इसने टाई लगाई, क्यों मैं इससे इज्जत से बात करूं? क्यों? व्हाई? ये जूता मुझे सनी गावस्कर ने गिफ्ट में दिया है। ये हो ही नहीं सकता, वो इंसानों के जूते पहनते हैं, हाथियों के नहीं। वीरू सर, प्लीज कैन यू हेल्प मी? आप इनका मुंह खराब कर सकते हैं। कुछ मुंह खराब नहीं करते। अच्छा जी, उन्होंने मार मार के अच्छे अच्छे बॉलर्स का करियर खराब कर दिया, तेरा मुंह खराब करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखा बिट्टू शर्मा, देखा आपने इतनी देर से सनी 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 कर रही थी, वहां दाल नहीं गली तो सीधा सेवा का लाइन मारने लग गई। एक मिनट। हेलो, BMC म्यूनिसिपैलिटी, हाँ, कूड़े वाला ट्रक भेजेंगे? यहाँ पे दो फालतू लोग घुसाए। डिसपॉइंट। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी में बात करने की जरूरत नहीं है। मिट्टू शर्मा, क्या है? उनको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे सारी है, तो उनका कोई हक नहीं बनता उन पे, सिर्फ मेरा हक बनता है। आपको है क्रिकेट की कोई नॉलेज? क्रिकेट के बारे में सब पता मुझे। तीन ऐसे डंडे होते हैं, उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा रहता है, उसके हाथ में बड़ा डंडा होता है, सामने से गेंद फेंकी जाती है, बड़े डंडे से रोकना है कि पतले डंडों के ऊपर वो गेंद लगे ना। आजा मुझे सब कुछ है, आजा मुझे सब कुछ है। वो अलग बात है कि मैं चैंपियन जो हूँ वो मैं कबड्डी की हूँ, तो वो खेलने मेरे साथ आ जा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.